नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। मुहर्रम के मौके पर सिया समुदाय के लोगों ने काले कपड़े पहनकर निकाला मातमी जुलूस। भागलपुर हुसैनाबाद के सिया समुदाय के लोगों के द्वारा काले कपड़े पहनकर मातमी नोहा जंजीरी किया गया। वहीं जंजीरी मातम करते हुए करबला की जंग के बारे में हर इंसान को एक संदेश देते हुए कहा कि इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नाती थे, उन्होंने अपने पूरे घर को लुटाकर इंसानियत को बचा लिया। यजीद से जंग की थी, पर अगर जंग नहीं करते तो समाज में हर बुराई आम हो जाती और पूरी दुनिया पर घातक लोगों का बोलबाला ही होता है। मगर इमाम हुसैन करबला की जंग कर इस बात को बता दिया कि हम अपने नाना के रास्ते पे चलकर सच्चाई और अमन का पैगाम देना चाहते हैं। उसी को लेकर इमाम हुसैन की याद में हम लोग मातम मनाते हैं। अब तेरे जाने से आंखों में बतारत न रही, हाल ये है कि मुझे कुछ नहीं आता है। हमारे जवान सब नंगे पैर चलकर या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं या अब्बास की सदाएं बुलंद कर रही हैं। ये एहतजाज है जालिम के खिलाफ, इसलिए कि आज से 1400 साल पहले यजीद जैसे टेररिस्ट ने इस्लाम पर हमला किया था। ये इस आतंकवाद की बुनियाद 1400 साल पहले पड़ी है, जिसका मौजूद यजीद था और इमाम हुसैन ने यजीदियत गरबान में हाथ डाला। यानी ये पता चल गया, जो हुसैनी होगा उसका आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं होगा, और जब तक हुसैनियत जिंदा रहेगी वो आतंकवाद से लोहा लेती रहेगी, आतंकवाद का मुकाबला करती रहेगी। आतंकवाद के खिलाफ कल भी हुसैनियत थी, आज भी हुसैनियत आतंकवाद के खिलाफ है और कल भी रहेगी। परिचय अपना। मैं मौलाना डॉक्टर सैयद तासीर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सिया समाज भागलपुर।